बोल रहे हैं ना, उनसे कहिए कि एक हलफनामा ले लें नीतीश जी से कि इस चुनाव के बाद और 24 तक एक एफिडेविट नीतीश जी से ले लें कि वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साय से दूर नहीं जाएंगे। अच्छा, नवादा मामले में नेताओं से मिले थे, कांग्रेस नेताओं से मिले थे नीतीश के दूर? वो मैं नहीं जानता। अच्छा, वो मैं नहीं जानता। अच्छा, नवादा मामले में कहा जा जानता हूँ। अच्छा, बताया जा रहा है कि नवादा में राजद के नेता चुप है। नवादा में राजद के नेता चुप क्यों है? राजवल्लभ यादव की पत्नी को जो टिकट दिया गया है उस मामले में राजद के नेता चुप हैं, सभी नेता कुछ बोले? मंच पर जाती हैं राबड़ी देवी जी और कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ध्यान रखिए, मैं आपको प्यार से एक बात कह रहा हूँ, राजवल्लभ जी की पत्नी रेप की आरोपी है? नहीं, सीधा सवाल है, क्या वो आरोपी है? और अगर ये सवाल उनके लिए है तो सबसे बड़ा सवाल उठना चाहिए कि जो व्यक्ति गुजरात घुसने के लिए मना किया गया, जिसको लोग तड़ी पार के नाम से पुकारते थे, उनके एक्विटल को सीबीआई ने क्यों नहीं चैलेंज किया एविडेंस के बावजूद? अगर वहां हो, आप हमसे पूछे, मैंने जवाब दिया ना कि उनकी वाइफ रेप एक्यूज नहीं है, क्या यही सवाल अमित शाह जी से पूछा जाएगा कि सीबीआई जो आपके गिरफ्त में है उसने आपके एक्विटल को चैलेंज क्यों नहीं किया? और वो चैलेंज होगा, सरकार बदलने दीजिए, फिर वही है नतीजा। कहां बात कर रहे हैं, कहां मन साझा किया? अभी पहले फेज का चुनाव, अब चुनाव की सीटों को कौन कहां लड़ा, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी स्ट्रेटजी सब साथ साथ है, एक साथ एबीपी वाले आगे।